और जितने जो है ये चीजें हो रही है उतने ही ज्यादा जो है और असर देखिए वो चीजें बढ़ रही है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो कोशिश कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमारे अलावा सब लोग खैर हैं, हमारे अलावा हम तो खैरियत खैर पर है, हमारे अलावा जो लोग जीतने पर कोशिश कर रहे हैं उनको कर रहे हैं, और हर वो कोशिश करने वाला ये आदमी समझ रहा है कि इस माहौल में गंदगी में मैं नहीं हूं, मेरे अलावा। औरों के सुधार की कोशिश कर रहे हैं, लोग सुधर जाए, महल सुधर जाए, खानदान सुधर जाए। तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजकर जो मेहनत करवाई है वो आदम साजी कराई कि ताकि एक एक फर्द सही हो जाए, हर एक फर्द उम्मत का, जब तक हर एक फर्द जिस जमाने में जो नबी आते थे उसका हर एक फर्द वो माशरे का एक हिस्सा था। दुनिया में गंदगियां जो फैलती हैं और दुनिया में जो बुराइयां फैलती हैं उसका मरकज कौन? बोल भाई, क्या उसकी कोई फैक्ट्री है? कोई एमएनसी कंपनी है? उसका मरकज इंसान है। इंसान बिगड़ता है तो फिर वहां से बिगाड़ जो होते फैलता है, अपने घर में, अपने माशरे में, माहौल में, जहां वो रहता है वहां जो होते कि वो गंदगी फैलती है। उसका सोचना गलत, उसका जगह देखना गलत, उसका बोलना गलत, वो माशरे में फैलता है, वो जहर फैलता है। तो इसके लिए मेरे भाई दोस्तों अंबिया अलैहिस्सलाम की जो मेहनत थी वो एक एक आदमी को दुरुस्त करना और उसके अंदर ये बात आ जाए कि मैं भी माशरे का एक आदमी हूं, मेरे जिम्मे है कि समाज को सुधार। अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत उठाकर देखो, मजमे पे बहुत कम और इंफरादी जबरदे के लोगों पर मेहनत करें और फिर मजमे को तैयार किया, और कोई एक दो दिन में नहीं, वो कोई हाँ ये नहीं कि भाई हाँ साहब तो अलाउद्दीन का चेहरा फूक दे हो जाएगा, नहीं, मुस्तकिल मेहनत दो। 950 साल की मेहनत में हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का एक मजमा तैयार हुआ, और वो जो मुकाबले में अक्सरियत के मुकाबले में ये थोड़ा सा मजमा एक नमूना था किसका? वो शराफत की जिंदगी का, सच्चाई का, अमानतदारी का, इंसाफ का, अदल का, प्यार मोहब्बत का, हमदर्दी का, ये भलाइयां। हर नबी की सीरत देखें, मेहनतें इंफरादी मेहनतें हुई है, इंफरादी मेहनतों के बाद एक मजमा बना है और फिर उस माहौल का असर होता था, माहौल का असर। और उसके मुकाबले में बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़ी बड़ी ताकतें, माल के रखने वाले, सोने चांदी के रखने वाले, हुकूमत के रखने वाले, वो एक तरफ होते थे, उसके मुकाबले में मेहनतें होती थी। आज एक है, कल दो हुए, परसों चार हुए। सरकारी गुलाम शाह साहब की सीरत उठा के देखो, हजरत उमर ईमान दे के आए हैं तो कितने आदमी, बोलो भाई कितने हुए? अरे बोलो ना, 40। पहले दिन 40 नहीं हुए, मेहनत होती रही, 40 हुए, और हिजरत पर जब लगे कुछ ज्यादा हुए और बदल में 300 हुए, इस तरह मेहनत ये मजबूत तैयार हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, मेहनत आदम साजी की मेहनत, वो मेहनत क्या थी? मेहनत में सबसे पहले यह बात बताई गई और यह समझाया गया, तुम अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को पहचानो। ऐसा नहीं कि तुम आजाद हो,
आजाद तुम हो, ऐसा नहीं। तुम्हारा एक खालिक है, तुम्हारा एक मालिक है, तुम्हारा एक राजिक है, तुम्हारा एक रोजी देने वाला है, बड़ी जबरदस्त खुदरत वाला है, उसे पहचान हो, उसका कोई शरीक नहीं, वह दहुला शरीक है, सबका करता रहता वही है। जमीन उसने पैदा की, आसमान उसने पैदा किया, चांद सूरज को उसने पैदा किया, तमाम चीजें रहने की दुनिया में पैदा की, ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारे तुम्हें जो पैदा किया इंसान को, वो था कि हाँ अपनी इबादत के लिए पैदा की। ये समझाई गई बात, तेरे दिमाग के अंदर ये बात उठा रही है। वो कोई ऐसा मामूली आदमी नहीं है, तुम्हारी हर चीज को देखने वाला, हर चीज को सुनने वाला, समय बसीर वो जानता है। दरख्त दरख्त में कितने दरख्त हैं, और एक दरख्त में कितने पत्ते हैं, कौन सा पत्ता कब गिरा, कब सूख कर नीचे गिर गया, वो जानता है। हदीस में आता है कि जब पत्ता जिक्र छोड़ देता है क्या होता है, बोलो भाई, अरे बोलते भी रहो, सूख कर नीचे गिर। तो क्या मतलब, हर पत्ते का ताल्लुक अल्लाह से, अरे हर पत्ते का ताल्लुक जब अल्लाह से होता है तो क्या इंसान का ताल्लुक नहीं होगा। इसका चलना, इसका फिरना, इसके दिलो दिमाग के अंदर का बात का आना, दिल के अंदर का बात क्या आना, इसकी हरकतें रात और दिन की, सब कुछ जानना। ऐसे खालिक और वालिद को पहचानो और उसके जात के यकीन को दिल में बिठाओ। हुजूर ने फरमाया तकवा जो है वो दिल में आता है, हां होना, जितना तकवा आएगा, अल्लाह का खौफ जितना आएगा, आदमी सिमट कर चलेगा। अभी हजरत ने मिसाल दी तकवा क्या है, तो भैया कोई आदमी अंगारे के झगड़े के जंगल में आग लगी है, उसमें से गुजरता है तो आदमी कैसा अपने कपड़े को सिमट के जो गुजरता है, इस तरह दुनिया में जिंदगी गुजारे। तो मेरे भाई और दोस्तों, जो है मेहनत की गई है एक एक आदमी को बनाने की, ये देखा देखी नहीं, ये तो सीखा सीखी है, सिखाया गया है, मेहनत की गई है एक एक पद के ऊपर, एक एक पद के ऊपर। और मेहनत के दौरान में मसाइल, परेशानियां, मुसीबतें, क्योंकि लोग आजादी चाहते ना, लोग आजादी, और वो जानते हैं कि हम इस पर आ गए तो आजादी नहीं रहेगी, मौज मजे नहीं रहेंगे, वीडियो नहीं पकड़ सकेंगे, अपने आजादी के कपड़े नहीं पहन सकेंगे, गलत फलत की जिंदगी नहीं होगी, तो क्या करेंगे, हाँ सर इनको रोको। ये सब पुरानी चीजें होती जाती है, शैतान जो है बड़ा बड़ा पक्का है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मेहनत की गई, मेहनत एक एक के दिल के अंदर ये बात उतारी, और फिर उन हालात में मेरे भाई और दोस्तों बिल्कुल गए गुजरे हालात, तंग हालात, मक्के की जिंदगी पूरी खाने खाना नहीं, ठिकाना नहीं, हल्का खबर ज्यादा कहने पर जमा होते थे, कोई बोल रहे हो पर बोल रहे बोले कि हाँ अगर तुम्हारे ईमान लेके आए तो फिर बोले कि बैतुल्लाह में खुला जो है खुला खुला ऐलान हुआ, वो कहते नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलाम एक मेहनत लेकर आए जिसके जरिए से इंसान भला बन सकता है, हर एक आदमी को भला बनाने की कोशिश की। जैसा ये इंसान बुराई का मरकज है, इसी तरह इंसान भलाई का भी मरकज है। इंसान के जरिए से बुराइयां दुनिया में आ जाते हैं, तो इसी तरह भलाइयां भी इसके साथ आते हैं। देखो तो पूरे हिजाज में एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत के पहले, और आप कभी झूठ नहीं बोला, सादिक़ुल अमीन, सादिक़
अच्छा वो जो है माहौल और लोगों में मुशरिकों में इतनी बात चली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी बोलो भाई बोलो कौन बोल रहा है कौन बोलो काफिर मुशरिक जो जान लेने पर तुले हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई कभी झूठ बोलने वाले नहीं और उसके साथ क्या हो आप अभी भी हैं। यहां तक बताते हैं रिवायतों में आता है कि लोग हां साहब अपना माल लाकर के पास जमा करते थे हिजरत की रात वो पूरे जहर के घेरे हुए लोगों की अमानतें आपके पास आपने कायम कर दिया अमानत अपनी मिसाल कि कितने अमीर हैं तरीक को बुलाए उनको बताया कि भाई हाँ वो एक 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 अमानत बता के उनके नाम बता देने ये इसका है ये इसका है ये इसका है उनको पहुंचा देता हूँ तो पूरे हिजाज में मशहूर मारूफ और लोग जानते थे हुजूर सच्चे भी हैं अमानतदार भी हैं हालांकि एक नहीं लेकिन जब तक उसका माहौल बना उसके जब तक चर्चा चला बाज डिपार्टमेंट में बाज ऑफिसों में कुछ लोग ऐसे होते हैं बगैर रिश्वत के काम करके देते हैं तो लोग उसकी तारीफ करते हैं लोगों में चर्चा करता है भाई फला आदमी है उसके पास चले जाओ तो बगैर रिश्वत के काम करता है एक उसकी सिफात अमानतदारी चाहे वो गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो उसकी एक सिफात वो लोगों को जरूरत है कि खरीब कर देते बड़े इकराम से बड़े इससे मिलते लोग तो मेरे भाई और दोस्तों हम लेकिन जो है ये इंसान जो है ये भलाई का भी मरकज है बुराई का भी मरकज है जब मेहनत होती है तो भलाइयां इसके अंदर आती है मेहनत ना होने पर अपने जो है आप वो बिगाड़ इसके अंदर आ जाता है। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारफूर कुरान में लिखे हैं इंसान की मिसाल जमीन जैसी है जैसे जमीन के ऊपर जब मेहनत करते हैं तो फिर उसके अंदर से माशाल्लाह हाँ हाँ साहब उसे उसके अंदर से हलवा मिलता है फल फूल आते हैं तरकारियां आते हैं गल्ला आता है हजारों लोग उसे पैदा उठाते हैं मेहनत करना छोड़ो बोलो भाई कितना भी पानी रहे सहूलत रहे ये रहे मेहनत ना हो तो फिर वो जमीन वबाल बन जाती है लोगों का जाना आना मुश्किल हो जाता है हाँ सब मालूम नहीं उसमें क्या जहरीले जानवर और सांप और वगैरह फला होंगे लोग परेशान होते हैं भाई इसी तरह इंसान है यही मकसद था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजकर इन फरादी मेहनत करा के इंसानों को भला बनने की कोशिश की और मेहनत करवाई और जिनकी मुकद्दर में भलाइयां थी जिनके हाँ के जो बात को माने जो हुज्जत नहीं करे जो बात को माने अल्हम्दुलिल्लाह हाँ साहब उस जमाने के हाँ साहब के वो भले लोग में शामिल हो गए अच्छा है इंसानों के अंदर भलाई के आने का इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है हाँ कुछ चीजें हैं वो सोचते हैं लोग प्लानिंग कभी कुछ चीजें आ जाते हैं कभी माहौल ना मिलने की चीजें वो चले जाती हैं बाहर रिश्वत का बाजार गर्म रहता है उसमें एक अमानतदार भी चला गया तो देखकर तंग आ जाता है कहीं ट्रांसफर ले लेता है तो खामोश बढ़ जाता है भाई मेरे बस का नहीं है भारत गिरी लूट मार ये देखकर जो है दंगे फसाद आदमी जो परेशान हो जाता है अकेला हो जाता है तो उसके लिए एक माहौल चाहिए तो अभी आ रही सलात मेहनत करके एक माहौल बनाया और तमाम नबियों की मेहनत
यही मेहनत है और इसके अलावा मेहनत नहीं है, ये किस तरह की मेहनत? हुकूमत की पॉलिसियां, इदारों की पॉलिसियां हर 20-25 साल में, 50 साल में बदल जाते हैं। कोई नया आता है और सोचता है कि भाई ये ऐसा मुनासिब नहीं है, प्लानिंग ये, ये मेरा आइडिया ये है, मरहूम हो जाते लोग। अब बहुत आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, वो कितना भी बड़ा जो है दुनिया का आदमी हो, वो मेरे बाहर दोस्तों हाँ साहब नबियों की मेहनत में और बिल्कुल जो है उसके दर्जे की बहुत बहुत कम आए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत को पैदा करने वाला अल्लाह, इंसानों की हमारा हर चीज को जानने वाला, वो बड़ी हिकमत वाला है। मेरे भाइयों दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाँ साहब ने कहते हैं नबियों को भेजा, नबी बड़े बुजुर्गवार होते थे, सबर वाले होते थे, तकवे परहेजगार होते थे, एक एक नबी को 40-40 साथियों की ताकत होती थी, उनके ऊपर हिकमतें होती थी, वही आती थी, रहबरी होती थी, फिर जब उनके बॉक्सिंग हेल्थ देखकर हाँ उनके रहबरी के तरीके से हम के लोग उनके ऊपर मेहनत करते थे, मेहनत करते करते एक जमाने के बाद एक मजबा सवा लाख या 1,80,000 जितने भी हैं इनकी तकरीबन पूरी जिंदगी सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम एक के बाद दीगर आए, एक के बाद दीगर आए, बाद में एक एक वक्त में दो दो तीन थी। वो खरिये का तस्करा कर रहा था, ये खरिये में, ये खरिये में तीन नबियों को भेजा। अभी हम सेरोजा में 15 दिन पहले एक इलाके में गए थे, बेंगलोर से तकरीबन 200 किलोमीटर मदनपल्ली है, मदनपल्ली से आगे सुबह आंध्रा आए, वो मेहनत के लिए हम लोगों का आया था नगर में, वहां ठहरना हुआ, वहां एक गैर मुस्लिम कॉलेज बनाया, एमटेक कॉलेज, सब नौजवान बालिग लड़के लड़कियां पढ़ते। मालूम किया तो 6,000 तलबा है, ठीक है, कोई मामूली एस्टैब्लिशमेंट नहीं था, बहुत बड़ा था। उसके लिए ने बड़ी एक हॉस्टल बनाया जंगल में बिल्कुल, उसमें लड़के लड़कियां कहीं वो उनका वो खाने पीने का प्रोग्राम वगैरह। 6,000 लड़कों में 2,500 लड़के मुसलमान, लड़के लड़कियां 2,500, 1,000 लड़के, 1,500 लड़कियां मुसलमान। कोई मेहनत नहीं, और नौजवान वो तमाम चीजें रास्ते खुले, कोई बोलने वाला नहीं, क्या होगा साहब? वहां के लोग तो दो चार लोग तो रोने लगे कि साहब 500 लड़कियां मुर्तद हो गए गैरों के साथ चलकर, सुना है अल्लाह हाय हाय। तरक्की खुश है माँ बाप, तरक्की कर रही है हमारी बच्ची कॉलेज जा रही, ये बात बहुत खुशी तौर पर असली तलबा का जो है कि वो लिया गया उनकी मेहनत के बारे में, उनके पता मुजाकरों के बारे में, उनकी जोड़ों के बारे में। आजादी माँ बाप पैसे भेज देते हैं, अब ये है माशाल्लाह हाँ क्या हो वो करेले करेल को नहीं चढ़ा वैसा है मोबाइल, अब मोबाइल में क्या नहीं, कम से कम वो पहले जेब में रहता था, अब तो बिल्कुल इसमें आ गया। कह रहे बोलो बोली नमाजी भी सामने रख के जब देखो वो करता नमाज पढ़ता नमाजी भी, अभी सलाद फेरा नहीं, सलाद फेरते ही फौरन उसे हुक्म आए सुन्नत है कि दुआ पढ़ो अल्लाह माई नहीं अल्लाह जिक्र का और शुक्र का, अभी ये क्या करता है नहीं बोलो हमारे तरीके
फौरन उठा के देता है, क्या उद्वास में आगे देखो, सोचता कितना रच बस गया है हमारे अंदर, दिलो दिमाग में छा गया है। बच्चे तो उसके बारे में रहते नहीं, सोते भी नहीं, नींद भी नहीं आते, और माँ बाप भी क्या करते हैं, आशा बताए कि कहां तक जाते हैं, क्या बोलती हो हमारे यहां, क्या बोलते हो, देखो छोड़ा बिगड़ने की चीजें आसपास। दोस्तों ऐसे में अगर मेहनत ना हो तो क्या होता है। अब हम वहां देखे कॉलेज में तकरीबन 50 के करीब आसा के साथ मुस्लिम बता देता है, वो फाइनल इसमें जो है कि आसा ऑफिस में इसमें लेक्चरर्स वगैरह 50, और दो चार को जोड़े तो उसका जब कहीं मजबूरी हो, बिल्कुल कहीं यूपी से आए, कहीं बिहार से आए, कहीं वो है, 15-20 आदमी की पढ़ने की जगह दे दिया है, वहां इंफरादी उगड़ने थी, कोई जमात का एहतमाम नहीं है, तो पता के पढ़ ले चले गए, और कोई बहुत ये करने वाला, वरना जो उनके हाँ यूजली कोई वॉच नहीं, तो तो मेरे पास दोस्तों ये मेहनत इस उम्मत को अल्लाह ने दी, नबियों का नबी आते थे मेहनत के लिए, नबियों का सिलसिला खत्म हो गया मेरे भाई और दोस्तों, अब यह कयामत तक आने वाली उम्मत इसके लिए एक बड़ी तादाद में लोग चाहिए, प्लांट बड़ा है, हजारों के लोग काम करना, दो चार को लेकर काम करेगा तो क्या होगा, यहां पूरा आलम दिया गया मैदान, पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम को वो मैदान भी बहुत थोड़ा होता था, दायरा बहुत थोड़ा, किसी के लिए शहर, किसी के लिए कौम, किसी के लिए कोई इलाका, ये दिया जाता था, किसी के लिए घराना, और उनका जमाना महदूद, एक दूसरे नबी आ गए खत्म, एक वक्त में कई भी नहीं, मूसा भी हैं, शुएब भी हैं, अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन सरकार ने दौलत सा सब ये ऐलान कर दिया है कि आखिरी नबी हैं पर आपके बाद कोई नबी नहीं, करना भी था निजाम है इतना में खुदामंदी अल्लाह का, बड़ी हिम्मतें होती हैं इसमें, बंदा समझता नहीं, बंदा बहुत जल्द बात हमें भी जाके काम करते तो हमारे हमारे जब तक थोड़ा सा जब तक वो खड़े जाते हैं तो नहीं भाई इलाका बराबर नहीं, चलो चलो कोई हमारी बात सुनते नहीं, अरे नबियों की बात नहीं सुने तो हमारी बात क्या सुनेंगे, सरकार द्वारा शासन अल्लाह के बाद किसी का दर्जा है तो उन्हीं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन से खेत के बोली हमारी बात सुनते लोग हिदायत पर आ जाए, हम तो सिर्फ मेहनत के मुकल्लफ हैं, हिदायत हमारे जिम्मे नहीं, तो मेरे भाई दोस्तों हुजूर के खत्मे नबूवत के सदके में इस पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने हौदीन का काम किया, पिछले नबियों में और हमारे नबी सरकार सब में यही फर्क है, वो नबी जाने के बाद मेहनत नहीं थी, दूसरे नबी आते थे, लेकिन मेरे भाई दोस्तों सरकार सब आखिरी भी हैं, आपने हर उम्मती को दाई बनाया, दीन का दाई हर हर उम्मती काम करते, अभी गरीब पढ़ा लिखा जवान बूढ़ा दौड़ते हो माशाल्लाह मस्तूरात की जमाते हैं, ओहो हाँ साहब देखिए फैली हुई है पूरी दुनिया में, अब तो ये है कि एक जोन में काम कराओ, एक इलाके में काम कराओ, बहनों को जमाते भेजे हाँ साहब देखिए वहां एक इलाका दे डालो, एक इलाका पूरा मुल्क नहीं है, जब हम लोग पहले शुरू में गए थे तो पूरा यूरोप फेरा पा, अभी साथियों को बता रहा जर्मनी भी गए, बेल्जियम गए, हॉलैंड गए, इंग्लैंड गए, अब सब अवसर नहीं, हाँ
आयरलैंड जा रहे तो उसका एक फल था, महाराष्ट्र की जमाते आती, अब तो महाराष्ट्र वाले बोले कि तुम्हारे जोन दे दो और जोन में हम काम कराएंगे, कर्नाटक के जोन दे दो हम जोन में जमाने की जमात डालेंगे और जोन में 15-20 बस्तियों में काम करेंगे। हर एक फल से मिली, हर एक फल को मतवजा करें, तैयार करें उसे। हम लोग सरसरी आ जाते हैं कि भाई हाँ हो गया, गश्त हो गया, मुलाकातें हो गई, नहीं। एक एक का जहन बनाना, एक एक के ऊपर मेहनत करना। हमारे यहां मरहूम हजरत मौलाना कासिम साहब थे, वो ये बताते थे कि हर एक के ऊपर मेहनत करो, हर आदमी के अंदर, दिल के अंदर उसके बाद आ जाए कि दीन के बगैर मेरी जिंदगी बेकार है, दिल के अंदर उतरे बात समाज की जिंदगी दीन के बगैर बेकार, ये बात समझाना उसे, ऐसा मेहनत करना उसे, फजाइल समझाए अल्लाह की तरफ से, हाँ साहब खैर के फैसले आमाल पर अल्लाह ने जब देखे हाँ फैसलों को रखा है, आमाल बनाओ, ईमान बनाओ, आमाल बनाओ। तो मेरे बार दोस्तों ये चीज आती है दिल के अंदर यकीन के, हाँ साहब मजबूत होने की। इसीलिए मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमा देते हमारा काम जो है दिल के यकीन को बदलने का काम। दिलों में अंदर गहराई में हाँ साहब समा चुका है, अजबाब के बगैर जो है चलती नहीं दुनिया। गोया अजबाब को हमने रब मान लिया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों ये बात बताई जा रही कि अजबाब है रब नहीं है, रब वो है जो सब कुछ के बगैर सब कुछ का करने वाला। कामयाबी नाकामी, इज्जतें जिल्लतें, मौत हया, जिंदगी का बनाना, जिंदगी का बिगाड़ना, हालात का लाना, हालात का दूर करना, बीमारियों का लाना, शिफा का देना, ये किसके जिम्मे है बोलो भाई? एक अकेले अल्लाह के जिम्मे, वही करने वाला है, अल्लाह ही करेगा। जब तक ये यकीन दिलों के अंदर नहीं आते दोस्तों इसका रुख बदलता नहीं, फिर अजबाब की तरफ खींचता है। बिल्कुल चाहे रात में उठा के उसे पूछा जाए कि किससे होता है, वो ये कहे कि अल्लाह से होता है। वो सिफत उसके अंदर जो आएगी वो मेहनत से, कुर्बानियों से। उन्होंने उसके मुकाबले में कुर्बानियां दी, चीजों को छोड़ा, मेहनत की, चीजों से निकला। और अजीब हिकमतें हैं अल्लाह ताला की, जब ये मक्के में जिंदगी बन रही थी और ये मेहनतें हो रही थी तो अल्लाह की तरफ से हाँ साहब वो सूरतें नाजिल हुई है जो पहले जो है हाँ साहब जब देखे कौमों के है वाकया उसको नाजिल फरमाया। दिल के अंदर से यह बात निकले, हुकूमत के होने पर कामयाबी है, अक्सरियत के होने पर कामयाबी है, तख्त और ताज के होने पर कामयाबी है, ताकत और खुदरत के होने पर कामयाबी है, कौम आद, कौम समूद, कौम बनी इसराइल और फिरौन के, हामान के, शद्दाद के, ये वाकया सब मक्की हैं, नाज़िल किया। और ये बताया कि देखो ये कौम कोई मामूली लोग नहीं थे, अपने वक्त के बड़े जबरदस्त लोग थे। अरे जिसके पास हुकूमत हो कोई मामूली आती है, जिसके पास दौलत, जिसके पास अक्सरियत, जिसके पास कुव्वत, जिसके पास बाबर, मंडियां, तिजारतें, जितने नक्शे थे वो सब नक्शे अल्लाह ताला ने हाँ साहब देखे इनके लोगों के सामने रखा कि देखो वो नक्शों में रहकर दो दुनिया से नाकाम होके गए हैं। पते नहीं आता है। तो फिर वो मक्की जिंदगी में वो चीजें बनी और पूरा पूरा यकीन कि करने वाली था अल्लाह, किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह करता।
दुनिया में जितनी चीजें हैं ये अस्बाब हैं, रब नहीं है। ना अपनी जात से किसी को नफा दे सकती है, ना अपनी जात से किसी को। हाँ सब हदीस में आता है, तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर किसी को नफा देना चाहे दे नहीं सकती जब तक अल्लाह की वासी, और किसी को नुकसान देना चाहे पहुंचा नहीं सकती तो जब तक अल्लाह की वासी। ये जुबानी जवाब रखी था, जुबानी जवाब जो तो दिल की गहराई में उतरी हुई बात थी, दिल की गहराई में। तो फिर आमादा है, फिर आमाद, और फिर बोल रहे आमाद तुम्हारी कामयाबी के लिए है। अब तुमने अजबाब का इनकार किया है, अजबाब का इनकार किया है, अब आमाद है, यह आमाद तुम्हारी कामयाबी के लिए। और जैसे ईमान को बनाया, यकीन को बनाया, तकवा जिंदगी में आया, मेरे भाई दोस्तों वैसा ईमान, जैसा ईमान बनाया वैसे अमल भी बनाओ। चट्टानों जैसा, समंदर से ज्यादा गहरा, आसमानों से ज्यादा बलंद ईमान, कोई चीज टक्कर लेती चीज पाश पाश हो जाती इनके ईमान में, रत्ती बराबर फर्क नहीं आता, इतना मजबूती है। हालांकि जाहिरी एतबार से कुछ भी नहीं है, हालात पे हालात, मार्ग पे हाँ साहब रातों को भागा जा रहा है और दिन पे चढ़ने के रेत पे डाला जा रहा है। हजरत उमर ने हजरत खफा रजी अल्लाह तआला से पूछा, थोड़ी सी कारगुजारी सुनाओ तुम्हारी। अमीर मोमिन क्या कारगुजारी सुनाए, अपना कुर्ता उठाया तो देखे और देखकर चलते कर रोने लगे, तो सिर्फ हड्डो चपड़ा। अब आप ये क्या है, मेरे खून से और चर्बी से हाँ सब देखे आग पुछती थी, इतनी थी। जब जाके ईमान बड़ा है, इन मुजाहिदों पे, इन जा पर हाँ सब देखे इन कुर्बानियों पर मेहनत करने को, तो मतलब ईमान बना है। जब चाहते हैं घर बैठे ईमान बन जाओ और घर बैठे चाहते हैं वो चीजें हो जाओ और अल्लाह की मदद आ जाए, नहीं जाप्ता क्या मतलब एक ही जाप्ता है, अल्लाह के जाप्ते बदलते नहीं। जो आज दुनिया में परेशानियां मुसीबतें, ये जो हाँ सब दुनिया आग की भट्टी बनी है, उसकी वजह यह क्या, ये जो है हमारे आमाल की वजह से। बीमार का सबक आई थी इतना, ये तुम्हारी कमाई है हाथों की, जिन चीजों से मना किया गया था, जिन चीजों से रोका गया था और जिसकी दावत दी गई थी, जो वादे के बाद बताने को बताई गई थी, उसको छोड़कर तुमने जब तक अपनी आजादाना जिंदगी अख्तियार कर दी। झूठ बकरियां फरेब लड़ाई झगड़े हाँ सा बदके हसद के ना, जब वो जिदार लड़ाइया बेहयाया धोखाबाजियां बाजार गरम, जिब्राइल से पूछा सरकारी दवाब सा सब, ये नीचे से जो चीजें क्या जा रहे हैं, रोपर से क्या चीजें आ रही है। हालांकि हमने सैकड़ों बार वो हदीस सुनी होगी, उसके ऊपर गौर नहीं किया। या रसूल अल्लाह सब ये नीचे से जा रहे किसके आमाल हैं, तो बोलो भाई किसके हैं, मुसलमानों के आमाल। काफिर कितना भी खैर का काम कर ले इसके ऊपर कोई वादा नहीं है, ये तो मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसीलिए बताया कि जब तक एक एक आदमी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला रहेगा, तमाम कायनात को अल्लाह अल्लाह कायम करेंगे। हाय हाय कितना बड़ा निजाम है कायनात का, चांद का निकलना है, सूरज का निकलना है, सितारे ये हवाएं बारिश ये निजाम हाँ सब, इतना बड़ा जबरदस्त निजाम कायनात का, एक फर्द है जब तक वाहिद पर। खत्म हो जाएगा
तो क्या करेंगे? बोलो भाई, तो इंतजाम किसके लिए खैर है? हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के आमाल कीमती है, अब ये आमाल जाएंगे वैसे फैसले अल्लाह के आएंगे। अब देख ले आमाल कैसे जाएंगे। सेंसस करो, स्कैनिंग करो, देखो चार दीवारी में क्या हो रहा है, यहां से बाहर क्या हो रहा है, गंदगियां कितनी फैली है, क्या हो रहा है जवानों में, बूढ़ों में। चोरी के एडवांस तरीके, चालाकी बोल रहे हो, चालाकी है। उसके लिए अल्लाह ने आमाल दिया, आमाल बेहतर से बेहतर बनाओ, वो खासकर नमाज, और तुम्हारे तमाम मसलों का हल। अभी बता रहे थे नमाज का दुरुस्त हो जाना गोया पूरी जिंदगी का दुरुस्त हो जाना। नमाज का आगे पीछे होना पूरे जगह के वो चीजों को, वो क्या बोलता है, धर्म धर्म कर रहे हैं। हेलो ठीक है शेख, लापरवाही का असर बीवी पर भी पड़ता है, बच्चों के लिए, हाँ सब सवारी के ऊपर। अगर बता रहे थे कोई बयान में, भजन के बयान में, इसमें तुम्हारी नमाज की, नमाज का बिगाड़ उसका असर पहले कहीं पर पड़ेगा, तिजारत पर पड़ेगा। हाय हाय हाय, क्या रिमोट कंट्रोल है, दस साल हो गए, बीस साल हो गए, नमाज बनी नहीं। अब तक कोई सूरत नहीं, रोज तुम्हारे केस में चल रही, और जो बताते हैं उसके आदाब, उसके सुनन, उसके के वो चीजें वाजिबात, उसको हमारे खान साहब बता रहे थे कितने जब तक नमाज में वो है, उसकी कोई रियायती नहीं है। रिया साहब अब्दुल्ला फरमाते थे इंतजार सलात के साथ नमाज पढ़ो। हमारी भक्ति नमाज जल्दी जल्द रोजों की जाए, हुआ नहीं हुआ मन में इत्मान के साथ। देखो हर चीज में एहतमाम लिखा है, हर अमल में एहतमाम है, एहतमाम के साथ जो वजू करेगा, एहतमाम के साथ जो नमाज पढ़ेगा, एहतमाम लिखा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब देखे अभी नमाज दुरुस्त नहीं हुई, दिल तो है सनम तेरा आशना, तुझे क्या मिलेगा निभा। इनकी एक सुई एक जमात गई अल्लाह के रास्ते में, रात हो गई, आपस में मशवरे से दो साथी तय हुए कि रात में जागे, और दोनों ने मशवरा किया जाए ना तो है ऐसा करो आधी रात में जाग लेता हूं, लग उसने सोचा कि जाना तो है, चलो नमाज पढ़े। मस्जिद में नमाज पढ़ना मुश्किल, वहां रात में पहरेदारी में और नमाज की किया, वहां उधर दुश्मन देखा, अरे अकेला है कोई निमट दो खत्म हो जाएगा वहां, तीर चलाए और एक और दो तीन। अब इसके दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खत्म हो जाऊं, तो जमात को नुकसान, अपने साथी को उठाया और दो को देख के शैतान तो चले गया, लेकिन ये देखा कि भाई इसका जिसम पूरा लहू में और उसमें लतपत हो गया, अरे भाई क्या हो गया, अरे यार मैं सूर्य पहर शुरू कर दिया था, मेरा जी नहीं चाहता था खत्म करे, लेकिन यहां मसला ये आ गया, इसके लिए मैंने जल्दी हजरत अली के बारे में तो ये मशहूर है, कोई तीर वगैरह लगता तो कब नहीं जाते। बोलो भाई ये कोई हस्से कहानियां नहीं है,
हम लोगों को जाना है वहां तक कि अपनी नमाजें बनाए। जमातों में इसीलिए निकाला जाता है, हर अमल को अपने ढंग से, अपने एतबार से, अपने व्यवहार का बनाए। मुफ्ती ज़ैन अल-आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, पड़ोस के हमारे बुजुर्गों में, वो ये फरमाते थे अल्लाहु अकबर करके तकबीर तहरीमा हाजत नियत करता है तो उसमें जो है जिस तरह उसने नियत क्या करे कि जिस तरह मैं और चीजों को सब छोड़ के तेरे सामने खड़ा हो रहा हूं, दिल से भी और चीजों को निकाल रहा हूं। तो दोस्तों जो करते हैं ईमान का लेवल और नमाज का लेवल पे, जितना ईमान मजबूत होगा नमाजें आमाल उसके मजबूत होंगे। कभी जमात गए कभी नहीं मिली, कभी गए कभी पढ़ लिए कभी नहीं, कभी कजा कर दिए कभी दो मिला के पढ़ लिए, इसमें क्या फैसले हो गए? और जमात के जिम्मेदारों का लोगों का यह हाल है तो आवाम का क्या हाल है? बोलो भाई, अब ये नमाजें अल्लाह के पास जाके क्या फैसला है? क्या है इसका मफहूम है? ऐसी नमाजें क्या करेंगे? बोलो भाई, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, ऊपर मार कर फेंक दी जाए और जाती हुई क्या करने जाएगी? दो बोलो भाई, आज बर्बादी के हर तरफ जब के हाँसा बोल गाएगा जा रहे हैं कि वजह क्या है? हमारी नमाजें जाते हुए हमें बद्दुआ देके जा रहे हैं। ये कौन नमाज थी साहबा की? जाते हुए दुआ देके जाती थी, अल्लाह की हिफाजत करना। और किसका क्या जरूरत के मजार कि इनका बाल बीगा कर सके? और नमाजें मेहनत से कुर्बानियों से बनी थी। तो ये मेहनत है दोस्तों, मेहनत ईमान के बनाने की, आमाल के बनाने की एक मेहनत है। ईमान ऐसे नहीं बनता कि बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़े धक्के खाने के बाद ईमान बनता है। अल्फाज होते तो बने के अबू जहल और जो बने के लोग दुश्मन थे वो भी जो बने के हाँ सब बने के हाँ सब कलमा पढ़ लेते, वो मालूम था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे कुर्बानियां हैं, मेहनत है, मुजाहिदा है। नमाजें बनी तो फिर अल्लाह की मदद आ गई। फिर मेरे महान दोस्तों सरकारी दुआ में शासन ने हिजरत कर हिजरत किया और हिजरत करके वहां एक माहौल बनाया, मार्शला बनाया। मक्के में चौथे साहब इजाजत नहीं थी, वहां साहब तंगी थी, वहां मसला मसाइल थे, अल्लाह का हुक्म हुआ अब तुम चलते कि चलो मदीना मनौरा। मदीना मनौरा जाने से पहले वहां माहौल बनाया गया, मसे बिन उमैर एक साल की जमात हो, वाह ये बात 35 जमातें सिर्फ एक सूबे के दूसरे साल की ली गई। हाय हाय, सोचते थे कि दूसरा साल कैसा होगा, क्या हालत हो गया है सब, यहां तो 4 महीने निकलना मुश्किल, 7 साल कैसे होगा? दूसरे साल की तश्कील हो रही तो कुल 51 जमातें, 51 जमातें अभी निकली, रुख पूरी दुनिया के लिए रुख तय हो गए। तकरीबन 10 से ज्यादा जमातें हिजाज के, लोग बोल रहे थे वहां क्या भी काम नहीं, क्या भी काम नहीं, जमातें आ रही, हमारे यहां सऊदी की जमात आ रही, ये कहा के गई। मेरे बात दोस्तों अल्लाह का वादा है तो मेहनत करते रहो, हम फैसला करेंगे, माहौल बनाएंगे। तो सरकार ने दौरान शासन वहां पहले भेज के मेहनत करवाए,
लिखा है सीरत की किताबों में, मदीने मुनव्वरा का कोई एक घर भी ऐसा नहीं था जिसमें कोई ना कोई ईमान ना लाया। किसी में बाप लाया तो किसी में बेटा, किसी में हाँ साहब वाले लाई है तो हाँ साहब, किसी में बहन, किसी में छोटा, किसी में बड़ा माहौल। हिजरत करके खुबा कट के लिए, वो जो मस्जिद है वो खुबा की, उसके पास लगी हुई एक मस्जिद है वो जो है जिसमें जुमा पड़ी थी, दोनों की जगह है वहां करीब करीब। एक औरत अपने बच्चे को लेके आए, यार 16 साल में ये मेरा लड़का है, 14 साल का था, कुछ 15 साल का। औरत ने कहा इसने इसने सूर्य का है हिफ्ज कर लिया, सूर्य का मक्की नाजिल मक्के में हुई है और किसी के जरिए से सुनकर क्या किया है, ये है शौक, ये है जज्बात। ये है दीन के लिए जो है दोस्तों, जो बताइए हाँ 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 जो बताइए हाँ सब कुर्बानी देना, तो बहुत खुश हो गए, साबित थे तेज दिन साबित। मक्के में गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत ये है लोगों की सलाहियत को टैप कर देते हैं, अगर हमला इस्तेमाल करना हसन उन्हें आगे बढ़ जाता है, टांग निकल टांग पकड़ो, सिरा तो उठा के देखो, अच्छे अच्छे सलाहियत वालों को आगे बढ़ाया है। खालिद बिन वलीद के बारे में बार बार पूछते थे उनके भाई से वलीद बिन वलीद से, अरे खालिद को क्या हो गया, आता नहीं, क्या हो गया क्या हो गया, आते ही उससे फैसला मार रहा है। उन्हीं की तरफ से शिकायत भेज दी पहल में, तो वो बच्चा मस्जिद नबवी में जाकर आने हुजूर के साथ बैठने लगा, तो हुजूर उनसे बोला बोला कि उस जमाने में खतूत जो आते थे वो ये हाँ सब यहूदियों की जबान में, तो खतूत पढ़ने वाला कोई नहीं, हाँ साहब बोलते कि वो करने वाला नहीं, सब मुश्रिक थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया उस बच्चे को कि तुम ये जुबान सीख लो कि हमारे लिए आसान हो जाएगी। एक हफ्ते में बच्चा सीख गया, एक हफ्ते। अरब को जाने काफिर जो अरबी सीख रहे, हम जो होते कि जमातों के तर्जुमे के लिए और उसके लिए जो है तरस रहे, क्यों कोई अरबी बोलने वाला नहीं, उलमा चंद पैसों के लिए, चंद दुनिया कमाने के लिए। देखो अरबी स्कूल कितनी, अब तो हम कुछ हाँ सर यस सर नौ कर देना वैसा सिक्के जाए, फिर हुजूर ने फरमाया एक और जुबान पोस वो चलती थी आप बेटा इसको भी सीख लिया, एक हफ्ते में वो भी सीख लिया और पूरे स्वतंत्र के जब में पढ़ना लिखना। वही जैद बिन साबित है हुजूर के विसाल के बाद अबू बकर ने अबू बकर और उमर मशवरा करके उनको जो है मुंतखब किया ताकि कुरान इकट्ठा जमाए, इतना बड़ा काम लिया था। आज उम्मत की सलाहियतें भी जाया हो रही है, दीन समझकर किसी पे लगा दिए, दीन समझकर हाँ सब कहीं लग गया, उसे बड़ा समझ दे गए हमें। कुछ यतीमों की खिदमत कर ली, कुछ बेवाओं की खिदमत कर ली, कुछ और काम कर लिया, कुछ जो है लेके जाए हाँ वो क्या बोलती हाँ सोशल काम चैरिटेबल, और उसी को हमने सब कुछ रख लिया समझ लिया। मेरे भाई दोस्तों एक काम है सुन्नत का, हम दावत का काम है और हम लोगों को इसलिए पैदा किया कि तमाम इंसान तुम्हारे जिम्मे हैं। वहां तो मसला वो कौमों का था।
था, आजाद के चंद खोमे थी, हम को इलाका दिया जाता था, उसके ऊपर मेहनत करना था, जो कि हमारे नबी आलमी नबी है। कुरान दिया गया, कुरान पूरे आलम के लिए, पूरे इंसानियत के लिए, हुदल लिन्नास आलम हमें दिया गया, पूरी इंसानियत के ऊपर मेहनत करने की जिम्मेदारी दी गई। तो आदमी नबी के आदमी उम्मत है कि चल फिर कर देखो, हाँ बता के जब देखे, हाँ साहब देखे, उम्मत का क्या हाल है, इंसानियत का क्या हाल है। एक काम है, एक मेहनत है, कसम खुदा की यह वादा है मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह का जब उम्मत काम को अपना लेगी और अमल के ऊपर चलेगी, फिर अल्लाह ताला दुनिया वैसे ही जब तक जैसे सहारा को उनके कदमों में डाला था वैसे ही डालेंगे। जमाना नहीं बदला, अल्लाह नहीं बदलेंगे। एक मैंने आपको वह कॉलेज की यह मिसाल दी, ऐसे कितने हजारों कॉलेज, हजारों लड़कियां हाथ से निकल गई। कारगुजार ही सुना रहे थे मक्के मुकर्रमा, अभी मलिक बारूद का जमात लिखी मक्के में काम करी, हाय हाय गश्तों में गए, जाके एक साहब से मुलाकात करे तो उन्हें कहने लगा नो रो आई एम नॉट मुस्लिम। मक्के में जिसमें जिसमें वो कई घुसने को कहा ना, बोलो भाई तो मक्के वाला वहां कैसे थे। उसके पहले एक अजीब कारगुजारी सुनाई थी, हाँ साहब वो आपको और अजीब, किसी का इंतकाल हो गया, जनाजा, हाँ साहब जनाजा लाने गया तो कोई दरवाजे में दाखिल नहीं हो रहा है, बदल बदल के पांच छह सात दरवाजे उसके दरवाजे स्थल है, बदल के अंदर आने दिया, कोई रुकावट रोका है। इमाम हरम से जाके पूछे इस तरह का मसला है क्या करें, उन्होंने कहा कि भाई कहीं दूसरी जगह जाना है, नमाज पढ़ा के कहीं दूसरे कब्रस्तान में दफन कर दिया, थोड़ा दफन कर दिया। लेकिन लोग जो है कुछ लोग होते हैं, उन्होंने तहकीक की कि क्या मां, बहुत ही अफसोस की बात है, वो मालूम हुआ कि मक्के में पैदा हुआ, मक्के में बड़ा हुआ है, कभी जो है बैतुल्ला में आया कदम नहीं रखा। अल्लाह भी गैरत वाले, जब तू जिंदा नहीं आया तो तेरी मैयत को हम लाने देंगे। दोस्तों उम्मत का रोना कोई ये नहीं, हाथ से निकल चुकी है, नौजवान हाथ से निकल चुकी है, औरतें आजाद, सिर्फ बुरखा रह गया है, ये घर की तालीम है कोई मामूली नहीं है, कि घर में बच्चों का औरतों का जहन बनाए कि पांच अमल के साथ वो करते भी सरसरी पड़ गए, हाँ सब वो जोश में जो देखे, हाँ सब एक दो चार दिन वो हाथा बना के और फिर खत्म हो गया, कोई तो ही नहीं। तो खतरा खतरा हाँ गिरता है तो फिर सुराख पड़ जाता है। घर की तारीफ बहुत अहम, और तमाम सहाबा को देखें, हुजूर को देखें, जो कुछ पहली वही आए जाकर किसे सुनाए, हजरत जाओ अभी फरमा रहे थे, अभी फरमा रहे थे, छह महीने तक सरकारी दुआ आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के पहले, हाँ साहब वो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के घर पे जाके, हाँ साहब ने जब तक कोई दुआ पढ़ते थे वो बताते थे नमाज का टाइम हो गया, सलाह सलाह करके जाते थे। कौन है बोलो भाई, हम तो माशाल्लाह साहब चार जुनैद बगदादी जिब्रील के पोते, रात को सोते नहीं तो, हाँ
ना अजान ना नमाज ना होश ना ही हवस। चेंजेस कैसे आएंगे? बदल कैसे बदलेगी? माहौल कैसे बदलेगा? बिल्कुल से अंदर फिक्र हो, कुड़ना हो, रोना हो, अल्लाह से दुआएं हो उम्मत के हाल पर। माशाल्लाह इस दवा में 40 मुल्क वाले आए, 40 मुल्क वाले, अल्लाह बरकत दे। हाँ शायद शायद कभी ऐसा मशवरा नहीं हुआ होगा और जिसमें 40 मुल्क वाले आए। कल से मशवरा है मलेशिया में 36 मुल्क वाले जमा हो रहे हैं, एशिया के, खाली एशिया के, या तो दुनिया के मुल्क आए। अजीब अजीब कारोबारियां हम लोग समझते थे बहुत अच्छा काम अमेरिका में है, तो वहां इंग्लैंड वालों ने कारगुजारी सुनाई, सब ठीक पड़ गए। वो बता रहे थे हमारे 9 जोन हैं, एक एक जोन में कई कई हल्के और एक एक हल्के में कई कई मस्जिदें। वो बता रहे थे तकरीबन 9 जोन में 8 जोन पूरे हमारे अपने काबू में हैं। हर जोन में हर जगह के इसका अपने हल्के का मशवरा होता है, हफ्ते वाली मशवरा होता है, वहां का जोड़ होता है, वो जमातें निकलती हैं, वो 3 दिन की जमातें पूरे जमाने के इसमें जाते हैं। हमारे यूरोप में भी इधर भी उनको तो बहुत करीब है, वो खदीमात के जोड़ होते हैं, असली तलबा का जोड़ होता है, उलमा का जोड़ होता है। साल की जमातें निकलने लगी इंग्लैंड से, हमारी जमात काम करके वापस आ रही, 2-4 दिन में वापस दूसरे साल। पहली जमात कर्नाटक की हमारे शहर के भी 4-5 साथी है, सोच रहे थे कैसे कैसे, वाला ने पूरा भी करा दिया। तो तकरीबन 150 जमातों में हां साहब तकरीबन 70-80 जमातें वापस आ गई हैं और 60-70 जमातें अभी पूरे मुल्कों में काम कर रही हैं। दूसरे साल साल का कोई वो नहीं, निजामुद्दीन में तश्कील ही 4 महीने से, छिल्ले का नंबर भी नहीं। तो इस वक्त में बेदीनी के एतबार से, इस वक्त में हालत के एतबार से, इस वक्त में जो माहौल बना हुआ है उसके एतबार से छोटी मोटी कुर्बानियां वो चलती नहीं। ये तो बड़ा मजमा चाहिए और बड़ी बड़ी कुर्बानियां चाहिए। पूरा है अफ्रीका तकरीबन 50 मुल्क मेरे भाग दोस्तों पूरे मुसलमानों की आबादी की 100% आबादी आबाद इलाकों में, और जालिमों ने और बातिल ने आज के पर इतनी मेहनत की है कि बिल्कुल लोग को जहन तक दस्ती में डाल दिया और नंगे बना दिए और बिल्कुल ऐसा कि कोई जहन नंगे उनके पास वो नहीं। हमारी जमातें माशाल्लाह जारी, 7 साल की जमातें, मस्तूरात की जमातें, दिन का मशवरा, उसकी कारगुजारी तो तफसील से वो तो घंटे 2 घंटे में आने की नहीं, सबूत के एतबार से आती रही, लेकिन कारगुजारी सुनकर हमारा फिर अपने इसमें मशगूल हो जाना ये हमारे लिए कोई इसकी बात नहीं, खैर की बात। तकाजा तो यह है कि हम जरूरत है कि अपने जान माल को अल्लाह के रास्ते में छोड़ें। खत्म होने वाली चीजें हैं, जान भी खत्म हो जाएगा, माल भी खत्म हो जाएगा, जाने वाले क्या लिखे मालूम ने कितने जरूरत के, हाँ साहब देखे, हाँ साहब जनाजों को आपने बता दिया है, कुछ भी नहीं है, और कितने खबर में उतारते हुए हमने देखा है, सब कुछ भी नहीं अपने साथ लेके, एक दिन आएगा हमें भी वैसे डालेंगे, कुछ भी नहीं, जो आगे भेज दिया वो नफे में रहा, कहाँ आगे, बोलो भाई अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, आगे अल्लाह के पास। और अल्लाह का सिस्टम यह है कि वो बढ़ते रहेगा,
कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका मल्टीपल होता है, और अल्लाह का मल्टीपल का क्या कहना, ओहो देखेगा बहुत के पहाड़ के बराबर की देखिए। जो खाया खत्म कर, और जो छोड़ा तो उसका क्या हुआ। एक अजीब बात है हदीस में, इसका मफहूम है दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपने आखिरत को बर्बाद करना, यह सबसे बड़ा बेवकूफ है। सबको एक हक होता होता करो, अरे कहां जाओगे कि तुम जाओगे कि परमानेंट क्या रहते हो कि पता क्या शायद बिल्डिंग है पर बिल्डिंग है, वो ये बेटे को नवासे को फला को चिचा को फला मालूम नहीं क्या क्या उसके झंझे, बस उसी में मर गया चले गया। बाज लोग कभी याद भी नहीं करते, खबर के पास जाते भी नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उनका माहौल रोका हुआ है। उसे मेहनत करके माहौल बदल के जाओ, हमारा माल का इस्तेमाल भी सही होगा और हमें जब के सवाब जारिया भी होगा। हाँ सब के हमें याद करके दुआएं भी देंगे। तो इसके लिए दोस्तों इस वक्त आला है, पांच पांच महीने बेरोड के लिए, पांच पांच महीने। सबसे कमजोर सूबा हमारा है, जिससे पता के एक दो जमाते भी नहीं निकली और माशाल्लाह बात जगह 40-40, 50-50 जमाते बेरोड की निकली है। हमारा भी इश्तराब है, लोग हिम्मत नहीं कर रहे क्या हो गया। और बेंगलोर में माशाल्लाह जहां इश्तराब दी थी कैसा, हाँ तो मालूम नहीं, छोटे छोटे चीजों के ऊपर खर्च कर देते, शादियों में खर्च कर देते, गाड़ियों में खर्च कर देते। अभी और अब्दुल सत्तार साहब ने वहां मेवातियों के जमात आए वो कवायद, उन्होंने कहा कि 70,000 खर्च है, तो उन्होंने कहा कि यूं तुमको क्या हो गया है, एक करोड़ की गाड़ी देते हो शादियों में, तुम जब उनके जमात का जमा है तो 70,000 खर्च कर, ये तो लुटाने की चीज है। बेल्जियम है, वो है, फला है, यहां जाके होटल में ठहरना है, खर्च करना है, इसके लिए हिम्मत करके बोले पांच पांच महीनों के लिए कौन तो तैयार है, बोलो भाई हिम्मत करो बोले।